हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल डिवाइन सेज टैरो। फ्रेंड्स कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग के साथ, और ये रीडिंग होने वाली है ब्लैक मैजिक पर। जी हाँ, लोग आपके ऊपर कर्स कर रहे हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, या आपके और आपके पार्टनर को अलग करने के लिए कुछ तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं, तो वो हम यहाँ आज आंसर लेने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, रीडिंग हमेशा की तरह से जनरल है, टाइमलेस है और जेंडर फ्री है। आपका जो भी जेंडर हो, मेल हो या फीमेल हो, आप अपने पार्टनर्स के लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है, आपके स्क्रीन पर पॉपअप हुआ है, इट मींस इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस ज़रूर से हैं, क्योंकि हमारी यूनिवर्स कोई भी काम बेवजह से नहीं करती है। अगर किसी से मिलना भी हो या किसी को कोई मैसेज पहुंचाना हो, तो वो इस तरीके से पहुंचाती है कि सामने वाले को उसका आंसर मिले, सामने वाले को उसका मैसेज मिले। शुरू करेंगे हम रीडिंग को, लेकिन उससे पहले हम रिचार्ज करेंगे पानी को। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरे सभी एसेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू सो मच मेरे सभी एंसेस्टर्स को, थैंक यू सभी स्पिरिट गाइड्स को। प्लीज मेरा मार्गदर्शन करें, प्लीज मुझे गाइड करें, हमारे व्यूअर्स पर और उनके पार्टनर पर किसने ब्लैक मैजिक किया है, क्या किया है, प्लीज़ बताएं। गॉड प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज, एंजल्स गाइड करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे जो सुनाई दे रहा है, जो विज़न मिल रहा है, वो ये है कि आपके पार्टनर की फैमिली पर उनके ही किसी फैमिली मेम्बर ने पहले तो कर्ज कराया हुआ है, कुछ करवाया है। आपके पार्टनर की फैमिली में कुछ डिस्टरबेंस चल रहा है अभी। उनके फैमिली मेम्बर्स आपस में एक दूसरे से झगड़ते हैं, एक दूसरे से फाइट करते हैं, एक दूसरे को उल्टा सीधा भी बोलते हैं, और ये एनर्जी कुछ दिनों से है उनके घर में, क्योंकि उनके उनके ही किसी खास ने, आपके जो पार्टनर हैं उनके ही किसी खास ने उन पर ये करवाया है। और ये जो भी उन्होंने करवाया है, ये कोई ऐसा तांत्रिक नहीं है जो नॉर्मल हो या जो पूजा पाठ से करते हो। ये उनमें से हैं जो ताबीज वगैरह बनाते हैं, जो गंडे बनाते हैं, ताबीज बनाते हैं, ये उनमें से हैं। शायद कोई मौलवी हो सकते हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्रिएट, क्योंकि आपके पार्टनर की फैमिली मेम्बर्स, बेशक उनकी मदर या उनकी बड़ी भाभी या उनकी सिस्टर, कोई हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप को पसंद नहीं करती हैं। उन्होंने आप दोनों के रिलेशनशिप में खटास डालने के लिए ये सब कुछ करवाया किसी और से, लेकिन अब वही चाल उन पर उल्टी पड़ गई है। उनकी फैमिली पर वही चाल उल्टी पड़ गई है जो उन्होंने आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए करवाई थी। क्योंकि यहाँ पर जब दो प्रेमी आपस में मिल रहे हों, तो उन पर खुदा की नेमत होती है, उन पर ईश्वर की कृपा होती है, उन पर राधा रानी की कृपा होती है, उन पर कृष्णा जी की कृपा होती है, उन पर शिव और पार्वती जी की विशेष कृपा होती है। तो अगर ऐसे कोई भी काम कर रहा है कि दो सच्चे प्रेमियों को अलग करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, उसे दंड मिलता जरूर है। बेशक कुछ समय बाद मिले, लेकिन मिलता जरूर है।
आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स बन रहे हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से आप तक उनका मैसेज पहुंचे या कोई उनको मिले जो आप तक उनका मैसेज पहुंचा दे, क्योंकि उन पर जब उनके फैमिली मेम्बर्स ने, उनकी मदर ने या उनकी बड़ी सिस्टर ने या उनकी भाभी ने ब्लैक मैजिक किया है, तो वो आपसे काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहे हैं। आप दोनों के बीच में बहुत तकरार हुई है, आप दोनों के बीच में गहमागहमी हुई है, हॉट टॉक हुई है, और बात यहाँ तक बिगड़ी कि आप दोनों अलग हो गए हैं, आप दोनों ने बात करना बंद कर दिया। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ब्लॉक और अनब्लॉक का गेम काफ़ी चला है आप दोनों के बीच में। कभी उन्होंने आपको ब्लॉक किया, कभी आपने उनको ब्लॉक किया, तो ये गेम आप दोनों के बीच में बहुत चला है, ब्लॉक और अनब्लॉक का। तो कुछ जगह पर मुझे दिख रहा है कि मैटर सिर्फ नासमझी का है, मैटर एक दूसरे से बात ना करने का है। जहाँ बैठकर आपस में बात सुलझाई जा सकती है, वहाँ पर बात ना करके, एक दूसरे से मौन रख के बातों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर मुझे एयर साइन दिख रहा है बहुत ज़्यादा, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पर मुझे फायर साइन दिख रहा है एरीज लियो सेजिटेरियस, और यहाँ पर मुझे अर्थ साइन भी दिख रहा है टॉरस वीरगो कैप्रिकॉर्न। तो आपके और आपके पार्टनर के जोडियक साइन इनमें से हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसी भी एनर्जी मिल रही है कि हमारे कुछ व्यूअर्स जो मुझसे जुड़े हुए हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो लोग ध्यान और मेडिटेशन करने लगे हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर एक ध्यान करती हुई जो आकृति बनी हुई है। आप लोग योगा कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, या मेडिटेशन कर रहे हैं, आप ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मुझे ये वाइब्स मिल रही हैं यहाँ पर कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स अध्यात्म की ओर मुड़ चुके हैं, इस रोज की परेशानी से दूर होने के लिए वो प्रभु की शरण में आने लगे हैं, और खुद को डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए ध्यान का सहारा लेने लगे हैं, मेडिटेशन का सहारा लेने लगे हैं, योगा करने लगे हैं। अगर आप योगा कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। यहाँ पर मुझे योगा के पोस्चर्स बहुत दिख रहे हैं, लगे रहिएगा कीप इट अप। तो आते हैं वापस से अपने रीडिंग पर। तो आपके पार्टनर की फैमिली मेम्बर्स ने ब्लैक मैजिक कराया है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि ब्लैक मैजिक आप कराती हो, क्योंकि वो लोग करा रहे हैं तो व्यक्ति जैसा होता है उसे सामने वाला वैसा ही नज़र आता है। यहाँ पर देखिए योगा की पोजेस आपको दिख रहे हों मे बी, तो उनकी मदर या उनकी भाभी या उनकी सिस्टर वो कहती हैं कि आप जादू टोना करती हो, आप ब्लैक मैजिक करती हो, आप तांत्रिक हो या आप जादूगरनी हो, इस तरह की बातें वो आपस में करती हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स से कि मेरे बेटे की बुद्धि फेर दी है या मेरी बेटी की बुद्धि खराब कर दी है, पता नहीं क्या खिला दिया है, पता नहीं क्या कर दिया है कि अब मेरी ही संतान मेरी बात नहीं सुनती है। इस तरह की मुझे विजन्स दिख रहे हैं, इस तरह का मुझे कुछ सुनाई पड़ रहा है यहाँ पर। कुछ व्यूअर्स का ये भी सोचना है कि इन सब चीज़ों से बचा जाए, अलग हो जाया जाए, कुछ व्यूअर्स हमारे यहाँ पर सोच रहे हैं मे बी।
और कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि एक्चुअली में उनके फैमिली मेम्बर्स ने उन पर कुछ किया है। हाँ, वो थोड़ा सा इस वक्त सिर दर्द की समस्या को फेस कर सकते हैं, अचानक से एंजाइटी फील कर सकते हैं, सामने वाले की बात को हो सकता है कि उन्हें सुनना पसंद नहीं हो, कुछ ऐसा हो सकता है, खाने पीने से मन खराब हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो दूसरी एक चीज़ और भी मुझे नज़र आ रही है कि अगर आपके घर में कीड़े ज़्यादा निकल रहे हैं, अगर आपके घर में कीड़े ज़्यादा निकल रहे हैं तो ये समझ जाइएगा कि किसी ने आपके ऊपर या आपकी फैमिली पर ब्लैक मैजिक किया है। या फिर आपके खाने पीने की चीज़ों में ऐसा होता हो कि कीड़े वगैरह पड़ने लगते हों, तो सचेत हो जाइएगा। और यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ कि आपको कैसे बचना है इन सब चीज़ों से। नंबर पहला है कि आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा ज़रूर से पढ़िएगा। दूसरी बात है, आप मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर आना जाना शुरू कीजिएगा। थर्ड पॉइंट ये है कि कभी किसी को बुरा मत बोलिए, कभी किसी को गाली मत दीजिए, और अगर कोई अजनबी आपको सफ़ेद रंग की चीज़ देता है या आपका कोई करीबी रिश्तेदार, आपके चाचा ताया मामा, इनमें से कोई अगर आपको कोई वाइट कलर की चीज़ देता है खाने पीने के लिए, तो उसे पहले मत खाइएगा। पहले उसमें से थोड़ा अंश निकाल कर भगवान के नाम से रख दीजिएगा, क्योंकि उसमें अगर कोई ऐसी एनर्जी होगी तो वो आप पर इफ़ेक्ट नहीं करेगी। अगर किसी ने ब्लैक मैजिक किया होगा तो वो आप पर असर नहीं करेगा। फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके खाने में बाल ज़्यादा निकल सकते हैं। अगर किसी ने आपके ऊपर टोना टोटका या ब्लैक मैजिक किया होगा तो आपके खाने पीने की चीज़ों में बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। तो सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, लेकिन सबसे पहली बात यही है कि ईश्वर के प्रति समर्पित रहिएगा। अगर आप भगवान की शरण में बने रहेंगे तो किसी भी तांत्रिक या किसी भी मौलवी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके फैमिली मेंबर्स पर या आप पर काला जादू कर सके। तो यहाँ अगर आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर्स, उनकी मदर या कोई और पर्सन आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करने के लिए ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो फ्रेंड्स, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ 4 दिन का काम होता है। इसका असर एक पूर्णिमा से लेकर अगली पूर्णिमा तक हो सकता है। इसके बाद ये धीरे धीरे बेअसर होने लगती है और इन लोगों को फिर से जाके करवाना पड़ता है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, बस प्रभु की शरण में रहिए, खुद को स्वच्छ रखिएगा, स्वच्छता मन में रखिएगा, स्वच्छता शरीर ही रखिएगा, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर एनर्जीज जो हैं थोड़ी सी डाउन हैं, लेकिन आप खुद को पॉजिटिव रखिएगा, खुद के साथ पॉजिटिव बने रहिएगा, सब आपके फेवर में होगा। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक किया है? जी हाँ, बिल्कुल से किया है, लेकिन वो ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। अगर आप ईश्वर की शरण में जाएंगे, प्रभु से मदद मांगेंगे, तो ये चीज़ें आप पर ज़्यादा असर नहीं करेंगी। यहाँ पर एक मुझे हार्ट दिख रहा है और यहाँ पर किसी ने कोई गंदा काम कराया है तांत्रिक से, वो नज़र आ रहा है मुझे। तो बस अपनी पूजा पाठ करते रहिएगा और भगवान पर भरोसा रखिएगा कि भगवान के आगे किसी की भी नहीं चलती है, चाहे वो कितना भी बड़ा दिग्गज क्यों ना हो,
कितना भी बड़ा मौलवी हो, कितना भी बड़ा तांत्रिक हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपको आपके कुछ आंसर्स मिले होंगे। आंसर्स मिले हों फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।